नमस्कार, हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू मॉड्यूल 3.1 ऑफ फार्माकोलॉजी 2 बीपी 503 टी। आई एम डॉक्टर सरदेंदु कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, रामिस इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, ग्रेटर नोएडा। डियर लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑटोकॉइड्स। So first of all, what are the learning objectives of this module? The first learning objective is that learners will able to define autocoids. Learners will understand the characteristics of autocoids, or you can say learners will understand the functioning of autocoids. Learners will able to understand the basic physiology of autocoids, and the learners will able to distinguish different type of autocoids based on their chemical structure. So, do you ever encounter with any of these issues or problems such as biting of bee, ant or mosquito? क्या कभी आपको कभी किसी मधुमक्खी, चींटी या मॉस्किटो ने काटा है और उसके काटने के बाद कभी आपकी स्किन पर ब्लबिंग हो गई हो या स्वेलिंग हो गई हो, आपको खुजली या इचिंग जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए हों, रेडनेस दिखाई दी हो, इडिमा हो गया हो, सूज गया हो, या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, या जिसको हम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं या चोकिंग कहते हैं, इन सारे टाइप ऑफ इश्यूज में आप अगर देखेंगे तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज द बाइटिंग ऑफ एनी फॉरन मॉस्किटो और एनी फॉरन एंटीजन। अब what type of medicine did you take to treat these type of symptoms? Think for a while. Yes, I think you know the answer. The agents are known as antihistamines, prostaglandin inhibitors, and corticosteroids. So, first of all, let's start with the autocoids. Autocoids दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज नोन एज ऑटो, वेयर एज सेकेंड वन इज नोन एज द क्वाइट्स। हेयर ऑटो मीन्स सेल्फ, वेयर एज एकॉस मीन्स हीलिंग और थेरेपी और रेमेडी। ऑटोक्वाइट्स आर ऑल्सो नोन एज द लोकल हॉर्मोन। दे रिस्पॉन्स locally to the affected site, that means their action is localized to a site where the infection or injury or you can say inflammation is reported. They have a very short half-life, that's why their action is also short duration, and they does not have any similarity with the general hormones. Now, what is the difference between hormones and the autocoids or local hormones? So first of all, we can differentiate the hormones with the local hormone or autocoids. Hormones वो substances होते हैं जो कि एक cell से produce होते हैं और blood circulation में आने के बाद वो travel करते हैं blood के through डिस्टेंट ऑर्गन्स में, यानी अलग अलग ऑर्गन्स पे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन से बाहर होते हैं और बाहर होने के बाद वो टारगेट सेल पर जाकर रिसेप्टर से बाइंड कर अपना एक्शन जो होता है उसको वो वहाँ पर ट्रांसड्यूस करते हैं। वेयर एज ऑटोकॉइड्स में ये लोकल हॉर्मोन्स होते हैं जो कि साइट ऑफ इंजरी में प्रोड्यूस होते हैं और ये उसी जगह पर ही अपना एक्शन देते हैं जहां पर इनका सिक्रेटिंग सेल होता है। कभी कभी ये ट्रैवल करते हैं बट बहुत लंबा डिस्टेंस तक ये नहीं जाते हैं। लोकल हॉर्मोन्स जो होते हैं, इनका जो सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं स्मूथ सेल्स में, लंग्स में, एडिपोज टिश्यूज में और डिफरेंट टाइप ऑफ अनदर सेल्स। So, what are the characteristics of the autocoids?
तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स इसका होता है, दे आर द एंडोजीनस कंपाउंड्स, मतलब दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल एंड गिव द इफेक्ट टू द नियर बाई सेल, और यू कैन से दे हैव अ पैराक्राइन टाइप ऑफ इफेक्ट। ऑटोकॉइड्स ये अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, मीन्स दे हैव इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल एज वेल एज इन पैथोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजी में ये हमारे बॉडी के नॉर्मल प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं, सच एज ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को मेंटेन रखना। बट जब इनका सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाता है, देन दे विल लीड टू द कंडीशंस नोन एज व्हाट, पैथोलॉजिकल। जनरली ऑटोकॉइड्स रिलीज ड्यूरिंग द एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, इन्फ्लामेशन और सेल इंजरी। मैं पहले बता चुका हूँ, दे आर जनरली प्रोड्यूस द पैथोलॉजिकल इफेक्ट ड्यू टू द इम्बैलेंस इन सिंथेसिस, रिलीज और द ट्रांसडक्शन सिस्टम ऑफ द ऑटोकॉइड्स। इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो जनरली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की वजह से होता है, सच एज जैसे कभी आपको डस्ट से एलर्जी हो जाती है, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, तो वहां पर एंटीजन की तरह पोलन काम करता है या डस्ट काम करता है, और वहां पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, और वो एंटीबॉडीज का मेडिएशन सिक्रीट करता है, एक्टिवेट करता है मास सेल को, और उस मास सेल से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोकॉइड्स निकलते हैं, जैसे कि हिस्टामिन। नाउ वॉट आर द फंक्शंस ऑफ द ऑटोकॉइड्स? द फर्स्ट फंक्शन इज इन्फ्लामेशन। मैंने बताया इट हैज एक्टिविट, यू कैन से एक्शन इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑल्सो एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑल्सो। सो इन्फ्लामेशन यू कैन से इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच जनरली डिफेंड्स द बॉडी सिस्टम। एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटोकॉइड्स जनरली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शंस, और सम ऑटोकॉइड्स ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर्स सच एज सेरोटोनिन, हिस्टामिन। दे हैव कंट्रोल ओवर द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, दे ऑल्सो मेंटेन द वेकफुलनेस और स्लीप पैटर्न, और यू कैन से अराउजल पैटर्न। दे डिक्रीज द एपेटाइट सच एज हिस्टामिन और यू कैन से सेरोटोनिन। दे ऑल्सो रेगुलेट्स द ड्रिंकिंग, दे हैव अ कंट्रोल ओवर द बॉडी टेम्परेचर, दे कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर सच एज एंजियोटेंसिन, एंड दे हैव अ परसेप्शन ऑफ पेन, दैट मीन्स द पेन इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू द सब्सटेंस पी, एंड सब्सटेंस पी इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वॉट, ऑटोकॉइड्स। नाउ क्लासीफाई इन दिस स्लाइड वी विल सी वॉट टाइप ऑफ ऑटोकॉइड्स आर प्रेजेंट। सो बेसिकली ऑटोकॉइड्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज कार्बोक्सीलेटेड अमीनो एसिड्स, सेकेंड वन इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स, एंड थर्ड वन इज नोन एज इकोनोसेनॉइड्स, और यू कैन ऑल्सो से दैट फर्स्ट वन इज अमीन डेरिवेटिव, सेकेंड वन इज प्रोटीन डेरिवेटिव, एंड द थर्ड वन इज द लिपिड डेरिवेटिव। द एग्जाम्पल ऑफ अमीन डेरिवेटिव इज हिस्टामिन और सेरोटोनिन, द प्रोटीन ऑटोकॉइड्स और पॉलीपेप्टाइड ऑटोकॉइड्स आर एंजियोटेंसिन्स, वैसोप्रेसिन्स, प्लाज्मा काइनिन, ब्रेडिकाइनिन, वेयर एज इकोसेनॉइड्स और लिपिड डेराइव्ड ऑटोकॉइड्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन एंड थ्रोम्बोक्सेंस। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।